राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या के बाद जहां बीते दिन राजस्थान बंद का आह्वान हुआ था, वहीं मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर ज्ञापन और प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्वालियर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा और करणी सेना ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिकरवार के नेतृत्व में ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि सुखदेव सिंह की हत्या करने वाले हत्यारों पर सख्त कार्रवाई कर फांसी दी जाए। यदि हत्यारों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। घर में घुस के हत्या की गई, इसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए। ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है, जेएनयू में किसी समय लिखा गया दीवारों पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब उसने आवाज़ उठाई थी कि ब्राह्मण बनियाओं को भारत छोड़ने पर कहने वालों, तुमको पहले क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना होगा। ऐसे वीर सपूत की कल निर्मम हत्या की गई, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। जो लोग जेल में बंद हैं, हम लोग सतर्कता से निगाह रख रहे हैं, उनके संगठन के लोगों से बातचीत भी की है, ज्ञापन देने की उनकी बात थी तो ज्ञापन वो देंगे, बाकी हम लोग निगाह रख रहे हैं सतर्कता से। गुर्जर आंदोलन